हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य है। और यार एक बात बताओ, हम सब चाहते हैं ना कि जब हम कहीं जाते हैं, हम स्कूल से निकले, फॉर एग्जांपल हम कॉलेज जाते हैं, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है। करण जौहर ने तो हमारे दिमाग में भर रखा है कि यार कहीं भी जाओगे तो कॉलेज तो जाओगे ही, और कॉलेज जाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप में आ जाओगे, सब इन्जॉय करोगे। यार इसी एक्सपेक्टेशन में मैं भी चला गया अपने कॉलेज। मेरे कॉलेज का नाम इतना महान कॉलेज, आपका नाम संस्कृत कॉलेज, ठीक है, वो तो सब ठीक है, बट यार मैं वहाँ गया और उन्होंने हमें लैविश पार्टी दी। यार मैं मान नहीं सकता, मेरी कॉलेज ने मेरी सारी एक्सपेक्टेशन की बात कर दी। इतनी ज़्यादा लैविश पार्टी थी कि वहाँ पे अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड ड्रिंक्स, सोचो जरा कौन सी जगह पे दी होगी उन्होंने हमें पार्टी। इतनी लैविश जगह थी, बहुत ही बहुत जगह थी, सोचो कहाँ दी होगी। एडिकेशन जूम पे बढ़िया यार, अब कॉलेज का हाल तुम लोग समझ ही गए। तो मैंने सोचा कि चल यार ठीक है, कॉलेज चाहे जैसा भी था, कम से कम मेरी क्लास तो अच्छी होगी। अब क्लास इतनी महान, क्या ही बताऊँ उसके बारे में। हमारी क्लास में अलग अलग टाइप के प्राणी थे। एक हमारी क्लास में था शिवम, और वो हमारी क्लास में और ही था, जादू ही पावर थी, और ही पास सारे टीचर उसके हो जाते हैं। तो वैसे ही था उसका भी। एक दिन सर ने उसको बुलाया क्लास में, वो सर के पास जाते ही झुक गया यार, आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद सर से बात करी, तो सर ने कहा कि बेटा देखो ऐसा है, तुम सब बहुत बढ़िया हो, सब अपना अपना जल्दी जल्दी काम करो और यहाँ से पहुँच जाओ। मैंने कहा यार यहाँ पर तो सर भी महान है, चलो कोई नहीं। एक दिन मेरी क्लास में एक अफवाह फैल गई कि आदित्य कुमारी गर्लफ्रेंड बन गई है। अब यार कहाँ की गर्लफ्रेंड, शक्ल देख के लगता है मेरी कि बनेगी भी कभी, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, पर इतने सारे लोग आए, मुझे भी लगा कि यार क्या पता बन गई है। जो लड़की थी उसका नाम था इशिका, वो मेरे पास खुद वो बंदा उसका और मेरा नाम भी सेम, मेरा नाम आदित्य कुमार, उसका नाम आदित्य बिस्ट। वो मेरे से आके पूछ रहा कि भाई तेरी क्या सुन रहा हूँ मैं, तेरी बंदी बन गई क्या। मैंने कहा भाई तेरे को भरोसा नहीं है क्या अपने पे, तू उसका वेरिफिकेशन ऑन नहीं करा था तूने। बट खैर कोई नहीं, अब इन सबके बीच में यार एक लड़की थी, मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगा यार इसके साथ तो मेरा कुछ हो ही जाएगा, है ना। उसने एक दिन मेरे दोस्तों ने बोला कि यार सृष्टि ने बुलाया तुझे, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मैंने भी सोचा यार क्या पता कुछ मेरी बात बन जाए। हम दोनों मिले कैंटीन में मिले, और उसने कहा कि यार आदित्य मैंने तुमसे कुछ बात की। मैंने कहा हाँ बोलो। कहती यार तुम बहुत बढ़िया बोलती हो, मेरी एक्सपेक्टेशन का बाहर ही ऊपर चला गया। मैंने कहा यार क्या बात है। मैंने और बोलो। कहती यार तुम बहुत बढ़िया बोलते हो, और जो भी तुम बोलते हो ना तुम लोगों को जोड़ सकते हो अपने साथ। मैंने कहा यार वो सब तो ठीक है, मैं तुम बोलना चाहती हो। उसने एकदम सूटकेस निकाल दिया। मैंने कहा यार ये क्या हो क्या रहा है। उसने कहा एक काम करो, अपनी आँखें बंद करो। मैंने आँखें बंद करी, और जैसे ही मैंने आँखें खोली, वो यार सूटकेस वगैरह उस वो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और कोट में आ गई। मैंने कहा सृष्टि तुम बोलना चाहती हो, तुम साफ साफ बोलो, कहते तुम सुनना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। उसने कहा लेवल सबके निकलेंगे।